ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी शुरू करते हैं हम नेक्स्ट लेवल। तो हमने पहले दो पार्ट देख चुके हैं, अब थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में फोटोशॉप में, फोटोशॉप ओपन करते हैं पहले। चलिए सबसे पहले हमने जो टूल कर लिए थे, अभी हमारा जो आज का टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल्स, पेस्ट टूल्स, ओके, ये सारे आई, रेड आई, ओके, कंटेंट एवर मूव टूल, ओके। सो अभी ये तीनों चारों जो टूल हैं, जो सब हम इसको इसके बारे में बोलेंगे। तो अभी जैसे हमारा नेक्स्ट है ब्रश है, पेंसिल है, कलर है, मिक्सर है, सब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम खुद शुरू करते हैं, पहले करते हैं ओपन। तो ओपन पे जाते हैं, कोई भी एक इमेज अपने डेस्कटॉप से उठाते हैं, तो उस पर काम शुरू करते हैं। ये इमेज है हमारे सामने, इसको जूम से हम ऐसे से फिट कर लेते हैं, ओके। सो अभी हमारे पास सबसे पहले जो पहला है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। उसका क्या काम है, अभी हम इसको पहले साइज़ बड़ा करते हैं, इसका साइज, ओके। इतना बड़ा है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मूव कर दूंगा फेस के ऊपर, तो ये देखिए साइड से कलर उठा के इसने यहाँ पे लगा दिया। अभी अंडू करते हैं, इसे मान लीजिए ये लड़का यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे ब्रश को ऐसे हम माउस को क्लिक करके दबाते हैं, तो देखिए वो यहाँ से गायब हो गया। तो उसने क्या किया, ये ब्रश ऑटोमेटिक साइड से इमेज उठाकर वहाँ चिपका देता है। ये बहुत ही आसान टूल है, बहुत ही अच्छा है। आप जब भी प्ले करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका काम है जब भी हम कभी कोई करेक्शन करनी हो, पीछे बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना हो या फ्रंट में कुछ चेंज करना हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये शर्ट पे जो डॉट्स हैं इनको हटाना है, तो अभी हम इस पर जाके पहले ब्रश छोटा करेंगे। तो ये देखिए ये पूरे स्पॉट्स हटा रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो साइड में से वाइट ले रहा है अपने आप ऑटोमेटिक, देखिए, ओके। अभी अंडू करके वापस आते हैं, फिर जूम और जाते हैं। मान लीजिए कहीं फेस पे कुछ है, फेस पे कुछ दाग हैं ऐसे, तो उस पर भी आप कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही ब्रश में फिर टूल लेता हूँ, ये वाला, तो थोड़ा छोटा करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये देखिए फेस को फिनिश करने के लिए भी ये टूल काम करता है। चलिए अभी हम सेकंड टूल सीखते हैं, वो है हीलिंग ब्रश टूल। अभी हीलिंग ब्रश टूल में क्या रहता है कि जब भी कुछ कॉपी करना है तो हमें आर्क दबाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया। मान लीजिए हमने ये वाला इसका एरिया सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने माउस से क्लिक कर दिया। अभी जहाँ पे हमने लगाना है तो वहाँ रख के पूरा माउस को ऐसे मूव करेंगे तो वो वाला एरिया वहाँ पे मर्ज हो जाएगा। दोबारा से दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर क्लिक किया, तो यहाँ करते हैं तो ये देखिए वो हट रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं वो टूल लेता हूँ, सॉरी ये वाला हीलिंग। तो अभी मैं आल्ट से दबाया और यहाँ से हटा के और यहाँ पे डाल दिया, और देखिए बैंगल्स रिमूव हो रही है। तो मुझे यहाँ से मैंने स्किन को पिक किया और मैं यहाँ पे इसे क्लिक करके उसको अच्छे से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो टूल के बारे में बात करते हैं, फिर अभी पहले अभी जूम आउट जाते हैं। अभी है पैच टूल। तो पैच टूल में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए मुझे ये फेस पे इसको सेलेक्ट किया मैंने और ये ऐसे पकड़ कर यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगा दिए, तो वो देखिए आप देख रहे हैं वो बंदा हट गया वहाँ से ना, उसकी पैच टूल से वो पूरा मिक्स हो गया। तो अभी सेकंड जैसे देखिए मैंने इसको पकड़ा, तो मैंने ये हटाने के लिए इसको ऐसे पकड़ लिया और ये ऐसे लगा दिया और ये हट गया। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्ट एनीवेयर। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हमने कोई भी एरिया यह सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए शर्ट इसकी ऐसे एरिया पकड़ा हमने, इस एरिया पे हमने कुछ और एरिया लगाना है तो यहाँ पे रख दिया हमने। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो वो एरिया उठकर आगे यहाँ इस तरफ आ गया,
और वो एरिया इस तरह शिफ्ट हो गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस में कुछ भी कटिंग पेस्टिंग कुछ करना हो तो इस टूल से आप कर सकते हैं आराम से। ओके अभी ओके तो अभी हम रेड टूल के बारे में बात करते हैं। ये रेड टूल है, तो रेड टूल के लिए क्या है, हम फाइल पे जाएंगे, ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और एक इमेज खोलेंगे और ओके। आपने कभी देखा होगा जब भी आप फ़ोटो पे काम करते हैं तो कई बार फ़ोटो जब क्लिक करते हैं, शॉट क्लिक करते हैं, तो उसमें आँखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं। देखिए जैसे बीच में से ये रेड हो रही है ना आँखें, ऐसे हो जाता है। जब भी हम फ्लैश यूज़ करते हैं कुछ लोगों की आँखें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उसको हटाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, ये वाला टूल है, इसको बोलते हैं रेड आई टूल। तो अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया एरिया और यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ ऐसे किया तो ये छोड़ दिया, वो रेड गया। देखिए पूरा प्रॉपर रेड पूरा क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो में से रेड जो कलर जो आपके वहाँ पे जो आइज बर्न हो रही हैं वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर, है ना। लेकिन ये मैंने जस्ट आपको टूल के बता ऐसे, बल्कि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन ये आइडिया जस्ट आपको समझ में आएगा ये टूल काम क्या करता है। अभी हम इसको इन फ्यूचर में सीखेंगे कि अच्छा कैसे कर पाएंगे। और चलिए आज बहुत है इतने टूल, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना टाइम दिया, सुना और समझा, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर लगे तो हमारे यूट्यूब में नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हर हम आपको उसको और डिटेलिंग में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से सीख पाएं और अच्छा सा आप इन फ्यूचर अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। अगर आप हमारे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।